तो एक नई वीडियो के साथ जय हिंद टू ऑल। और आज का जो वीडियो है CATC कैंप 2023 जो कि 19 मई से 28 मई तक महारानी किशोरी कॉलेज होडल में कंडक्ट कराया जा रहा है। तो आज कैंप का रिपोर्टिंग डे था और आप देख सकते हैं पिक में जो हमारे कैडेट्स हैं, सीनियर विंग के जो कैडेट हैं वो बिल्कुल तैयार हैं कैंप में जाने के लिए और एक बहुत ही अच्छे रिफ्रेशिंग मूड के साथ, एक बहुत अच्छे सेंस ऑफ माइंड, मतलब मैं ये कहूँगी कि बच्चे इतना खुश थे, इतना ईगरली वो वेट कर रहे थे क्योंकि फर्स्ट ईयर में उनकी ऐस सच कोई एक्टिविटीज़ हुई नहीं थी, तो बहुत ही उत्सुकता से उनको इंतज़ार था। आप देख सकते हैं ये जो बस जा रही है सामने, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो नवज्योति स्कूल है अलावलपुर में उनके जो डायरेक्टर हैं मिस्टर चंदन, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे कैडेट्स के लिए जो अपनी बसेस हैं उनको दिया। तो इस बस में बैठ करके जो हमारे कैडेट्स हैं वो कैंप लोकेशन तक पहुँचे, तो बहुत ही उत्साह के साथ हमारे कैडेट्स, एक जोश के साथ हमारे कैडेट्स कैंप में जाते हुए और ये कैंप में पहुंचकर अपना लगेज वगैरह उतार के जो बच्चे हैं वो पहले रिपोर्टिंग करते हैं। तो रिपोर्टिंग टाइम की ये जो पिक है और आप देख सकते हैं कि हमारे जो SM साहब हैं उन्होंने और हमारे यूनिट के जो स्टाफ हैं उन्होंने, जो भी टीम्स वहाँ पे आई हैं, जो भी NCC कैडेट्स वहाँ पे आई हैं, उनका बड़े अच्छे से वार्म वेलकम किया और उनको कैंप में जो परमिशन मिली है कैंप अटेंड करने की और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग सारा कुछ सबमिट करके जो बच्चे हैं वो कैंप लोकेशन में आए। और सर ने बहुत शुभकामनाएं भी दी बच्चों को देख करके कि वो अच्छे से कैंप अटेंड करें और यहाँ पर महारानी किशोरी कॉलेज में जो अरेंजमेंट्स हैं बड़े अच्छे से बच्चों के लिए, आप देख सकते हैं कितने अच्छे फ्लैक्स और कितना अच्छा डेकोरेशन हमें मिला वहाँ पे बहुत अच्छे से। और देखिए बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत साल पहले मैं आई थी इस कॉलेज में लेकिन उसके बाद काफ़ी टाइम बाद आज देखा तो बहुत ड्रास्टिक चेंज मिला कि देखिए कितनी शानदार स्टेज उनकी कॉलेज की, कितनी शानदार स्टेज और बिल्कुल महल नुमा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेज का वो देखते ही बनता है वाकई में ही। और आप देख सकते हैं कि जगह जगह जो NCC के फ्लैग्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह कॉलेज में लगाए हुए थे उन्होंने और बहुत सुंदर से हर एक चीज़ को व्यवस्थित किया हुआ था। और आप देख सकते हैं, देखिए पिक में देखिए कितनी ही सुंदर बिल्डिंग है, कितना बड़ा प्लेग्राउंड और ये हमारा क्वार्टर गार्ड का है एरिया है। अभी जो पिक है वो थोड़ा अंधेरे में थी तो ये शाम की जो रोल कॉल है रिपोर्टिंग के बाद उसमें जो कैडेट्स हैं वो जाते हुए, तो आप देख सकते हैं कैडेट्स का पहला दिन और थोड़े से कैडेट थोड़े से घबराए हुए क्योंकि पहला दिन है, रिपोर्टिंग है, अभी उन्हें नहीं पता कि आगे कैंप में क्या क्या होता है, क्या उन्हें सीखना है। लेकिन विद इन 1 or 2 days, सिर्फ एक दो दिन में ही सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो उनके समझ में आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं एक अनुशासन के अंतर्गत बिल्कुल बहुत अच्छी पोजीशन में जो बच्चे हैं उन्होंने अपना स्थान ले लिया है ग्राउंड में रिपोर्टिंग के टाइम। और ये CO सर हैं जो बच्चों को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बच्चों को थोड़ी सी जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो कैंप के बारे में बता रहे हैं। हालांकि जो कैंप का ओपनिंग एड्रेस है CO सर के द्वारा वो कल यानी कि 20 तारीख को किया जाएगा, लेकिन आज क्योंकि बच्चे बहुत देर से खड़े हुए थे तो सर ने उनको थोड़ा बिठा दिया कि क्योंकि बच्चे थोड़ा सा एग्जॉस्ट से हो जाते हैं कि भाई तैयारियाँ करनी है, जाना है, तो सर को थोड़ा सा थकान लगी कैडेट्स के चेहरे पर, तो सर ने उनको बिठा करके फिर उनको संबोधित किया। तो आप देख सकते हैं इस रोल कॉल में सभी की उपस्थिति दर्ज कराई गई और कितने जो इंस्टीट्यूशन हैं और वहाँ से कितने कैडेट्स आए हैं ये सारा ही जो ब्यौरा है वो इस रोल कॉल के अंतर्गत लिया गया और बेसिक सी इंफॉर्मेशन बच्चों को बताई गई। उसके बाद थोड़ा सा जो हमारे कॉलेज की जो डायरेक्टर मैम हैं डॉली मैम, तो उन्होंने बोला कि बच्चों को थोड़ा सा रिफ़्रेश करने के लिए उनको आज कल्चरल के लिए थोड़ा सा हमें अलाउ करना चाहिए। कल्चरल वैसे डेली होगा लेकिन आज उनका कैडेट्स का जो माइंड रिफ़्रेश करने के लिए कि उनको बोला गया कि वो अपना मिक्स परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं और
जो रोल कॉल के और डिनर के बीच का जो उन्हें थोड़ा सा टाइम मिला था, मेरे ख्याल से 15 या 20 मिनट के करीब उनको ये टाइम मिला था, और इस टाइम में उनको बहुत अच्छे से सॉन्ग्स जो है वो चला करके और बहुत ही अच्छे से उनको बच्चों को एंजॉय कराया गया। और अब आगे की दिनचर्या के लिए, आगे की एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे दी गई थी, और ये देख सकते हैं बड़ा ही अनुशासन में बच्चे रात को डिनर लेते हुए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि एनसीसी की मेन चीज़ क्या है, एनसीसी कैंप की जो यहाँ जो अनुशासन है वो बहुत अच्छे से बच्चों में डाल दिया जाता है, और हर चीज़ एक अनुशासन के अंतर्गत ही की जाती है। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कैडेट्स को। तो आज की जो वीडियो है वो सिर्फ हमारे इसकी क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग एड्रेस की है, जो कि आप देख सकते हैं। तो आज की जो रिपोर्टिंग डे बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, और कल से हर एक डे की एक्टिविटीज़ के साथ आपके साथ फिर से शामिल होंगे। जय हिंद, जय भारत।